अजय चौटाला द्वारा नया दल बनाने की घोषणा करने के बाद अब इनेलो में घमासान मचा हुआ है। पार्टी में इस्तीफों का तांता लग गया है, जिनमें नई पार्टी बनाने की घोषणा के बाद से अजय चौटाला के समर्थक जगह जगह इनेलो की प्राथमिक सदस्यता छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में इनेलो पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सामूहिक तौर पर अपने पदों से इस्तीफा दिया और 9 दिसंबर को जींद में होने वाली रैली के लिए रूपरेखा बनाई। जिन्होंने पार्टी को सदैव खून पसीने से सींचने का काम किया, आपके उन नेताओं को ही पार्टी से निकाल दिया। अब आपकी नई पार्टी बनने जा रही है, उस पार्टी के लिए आपको एक एक साथी को गया जय सिंह, युवा दुष्यंत और दिव्य माने और ये बहन लक्ष्मी बरोता शशि परवार, हमारी वरिष्ठ नेत्री ओम धारा जी, मातृशक्ति जितनी बैठी है, ये सारी अपने आप को नैना सिंह मान के लड़ाई लड़े। तो मेरा यही सुझाव है, उस दिन समय निकालना है और अपने एटी और चोटी का जोर लगा के सील के सभी रस्ते सील कर देने हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में पहुंचे नेताओं ने अपने पदों में पार्टी की प्राथमिक सदस्य छोड़ने की जानकारी दी। आज सभी हमारे सीनियर जिला के संयोजक और इस दौरान कुछ पूर्व संयोजक सभी ने इकट्ठे होकर के और ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी, हल्का स्तर के विभिन्न सेलों के जो भी संयोजक थे, सभी ने सामूहिक रूप से एक जो पिछले दिनों पार्टी ने फैसला लिया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय और दुष्यंत को पार्टी से जो निष्कासन किया था, उसके विरोध स्वरूप सभी कार्यकर्ताओं ने आज इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रमो का नाम, आदरणीय पूजनीय चौटाला साहब के नाम सामूहिक रूप से अस्थि पे भेजे हैं और ये कार्यकर्ताओं द्वारा 2200 कुछ 67 कार्यकर्ताओं ने नहीं ऐसा कुछ नहीं है सोमेश जी, सभी ने और ऐसा कुछ नहीं है। गांव इकाई के ऊपर अब भी कार्यकर्ताओं के फोन आए हैं कि हमको भी वो फार्म दो, हम भी चाहते हैं रिजाइन करना। तो हमने कहा कि भाई आज ऑफिस भी इधर जो पार्टी के पदाधिकारी और पहले पदाधिकारी रहे हैं, उन सभी साथियों ने सामूहिक रूप से विरोध स्वरूप अस्तित्व दिए।